देख रहे हो भाई रिएक्शन कितने खतरनाक आ रहे हैं। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया हो गए एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज अपने बस्ती मोटो व्लॉग एपिसोड का भाई फर्स्ट एपिसोड है एंड हम लोग चल रहे हैं भाई कर्मा देवी कॉलेज, मतलब वहां तक जाएंगे आज अपना व्लॉग शूट करने के लिए। एक बढ़िया सा व्लॉग शूट करेंगे वहां जाने के बाद। अभी बज रहे सुबह भाई 7:26 एंड देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा रश है भाई बस्ती में सुबह सुबह ही। भाई टाली वाले भी लेकर यहाँ घुस जाते हैं। क्रॉस करके निकलना पड़ेगा भाई, तभी निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। इतना सुबह सुबह भाई पक्के पे रश देख रहे हो, अभी 7 सुबह के। सो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं पक्के वाली रस से एंड अब आ चुके हैं फैमिली मार्ट के पास। अब एंड यहाँ से भाई हम लोग अमहट होते हुए भाई निकलेंगे सीधा कर्मा देवी कॉलेज। तो आज भाई अपने मोटो व्लॉगिंग एपिसोड का फर्स्ट एपिसोड है, वो भाई प्रोमो टाइप का था कि मुझे बताना था कि मैं वो व्लॉग कर रहा हूँ। तो आज एपिसोड फर्स्ट है भाई अपना एंड अब सोच रहा हूँ भाई कि पर डे व्लॉग करूँगा। तो ये रहा भाई अपना APN PG डिग्री कॉलेज एंड अभी तक कोई आया नहीं है क्योंकि मॉर्निंग अभी। तो भाई आजकल इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है ना कि ब्लॉक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पेट्रोल का जो रेट आजकल चल रहा है भाई 97.25 पर लीटर चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया भाई पेट्रोल। मोटो व्लॉगिंग करने वालों की हालत ख़राब हो रही है पेट्रोल की वजह से, वो मोटो व्लॉग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई कंपनी बाग एंड रश देख सकते हो भाई सुबह सुबह इतना रश क्यों है यार। तो भाई एक रास्ता ऐसे भी जाता है बट हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग चलेंगे भाई सीधा, इधर से ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। तो ये रहा भाई RKBK का पेट्रोल पंप एंड हम लोग पहुंच चुके हैं भाई कचहरी वाले रोड के पास एंड ये रहा अपने बस्ती का फ्लैग, देख सकते हो आप लोग कितना मस्त है यार एंड हवा नहीं चल रही इसलिए फ्लैग उड़ नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ से लेंगे भाई लेफ्ट एंड लेफ्ट होके भाई सीधा चलेंगे हम लोग अब। तो ये है भाई बस्ती की सबसे ठंडी जगह, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं इधर। तो ये रहा भाई अपने बस्ती का चर्च, चर्च ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा है बट जो भी है भाई बस्ती में सही है। एंड ये रहा भाई बस्ती का अपना ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है भाई, ठंड है एकदम बिल्कुल, बस्ती के मतलब सिटी से टेम्परेचर बहुत कम है इधर। इसको देखो साले को, चढ़ जा भाई। इतना ज़्यादा ब्रेकर इधर बना दिया है बहुत ज़्यादा। तो इधर SP ऑफिस भी भाई इधर ही है, ये पूरा आएगा भाई SP ऑफिस में एंड हम लोग पहुँचने वाले हैं भाई अमहट पुल पे। तो ये रहा अमहट पुल जो सीधा जा रहा है हम लोग का एंड ये रहा मंदिर और ये वाला भाई भी SP ऑफिस वाला रोड है पूरा। तो मंदिर ये रहा, देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है, पूरा भर चुका है यार। तो फाइनली गाइज हम लोग ने ओवर ब्रिज क्रॉस कर दिया है एंड हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पर एंड यहां से भाई हम लोग को सीधा मिल जाएगा हाईवे एंड हम लोग हाईवे यहां से पकड़ लेंगे। तो आज चल रहे हैं भाई कर्मा देवी कॉलेज के पास एंड वहां पर चल रहे हैं, एक वीडियो शूट करेंगे मतलब एक अच्छी सी व्लॉग करेंगे एंड ढेर सारी रील बनाएंगे और फ़ोटो खींचेंगे। तो हाईवे पे जाकर मिल जाता है ये भी मिल जाता है बट हम लोग को हाईवे पे जाना नहीं है। तो यहाँ का व्यू देखो भाई पूरा खाली है, कितना अच्छा लग रहा है यार, हर जगह भाई गड्डी गड्ढा किए रहते हैं, कोई भी इंसान कब टपक जाए। तो ये रोड भाई सीधा जाएगा लखनऊ की तरफ एंड इस ओवर ब्रिज का व्यू देखो भाई कितना मस्त आ रहा है। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा टांडा वाला रोड एंड ये सीधा वापस चला जाएगा बस्ती, ये रहा टांडा वाला रोड एंड हम लोग को चलना है भाई थोड़ा सा और सीधा।
तो भाई हम लोग को थोड़ा सा उल्टी साइड चलना पड़ेगा क्योंकि कर्मा देवी कॉलेज जो है भाई इसी साइड है, राइट साइड। तो भाई हाईवे पे इतना रश नहीं जितना पक्के वाले साइड पे रश था। तो भाई यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है, यहाँ से भाई कर्मा देवी कॉलेज दिख रहा है पूरा। तो भाई हम लोग चल रहे हैं भाई रॉन्ग साइड कर्मा देवी कॉलेज जाने के लिए। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मेरी तबीयत नहीं सही है क्योंकि भाई मेरी वॉइस सही से निकल नहीं रही है। ए चचा, तो फाइनली गाइज हम लोग को रास्ता मिल गया है। यहाँ से भी क्रॉस का था बट हम लोग को पता नहीं था। तो कर्मा देवी कॉलेज हम लोग आ रहे हैं। रास्ता बढ़िया बनाया है कर्मा देवी कॉलेज का भाई, रोड आगे क्योंकि भीड़ भी आगे लगी हुई है। हाँ कर्मा देवी कॉलेज भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पर भीड़ लग चुकी है, देख सकते हो सारे पेपर देने ही आए हैं। हाँ देख रहे हो भाई रिएक्शन कितने खतरनाक आ रहे हैं। गाइस ये रहा कर्मा देवी कॉलेज एंड भाई आज यहाँ पर है ग्रुप डी का पेपर यानी कि रेलवे का पेपर। तो मेरी सिस्टर का भी भाई ग्रुप डी का रेलवे का पेपर पड़ा हुआ है। तो आज का व्लॉग भाई मैंने यहाँ पर ही शूट कर लिया एंड अब चल रहे भाई अपने बाइक के पास, बाइक वहाँ पर खड़ी है। तो कर्मा देवी कॉलेज आप लोग देख सकते हो भाई कितना बड़ा है। ये बैक साइड का सीन था, आगे से भाई दूसरी तरफ है। तो देख रहे हो भाई बैरिगेट लगाया हुआ है पूरा। हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। तो वो रही गाइज अपनी बैटमैन एंड ये पार्किंग एरिया है कर्मा देवी कॉलेज का, देख सकते हो कितना बड़ा है वहाँ से लेकर भाई यहाँ तक का है। एंड ये पार्किंग एरिया है एंड हम लोग उठाते हैं भाई अपनी बैटमैन एंड चलते हैं अपना व्लॉग कंप्लीट करने के लिए। भाई बाइक की जो लाउड है ना इतनी मस्त आ रही कि सब लोग भाई घूम घूम कर देख रहे हैं एंड हम लोग चल रहे हैं भाई अपना एक अपना अब रील शूट करने के लिए। छोटा हाथी आ रही है भाई आगे एंड हम लोग को बच के चलना है। तो ये रहा भाई कर्मा देवी का एग्जिट एंड अभी पेपर ख़त्म होने के बाद देखना भाई कितनी रश लगेगी। तो ये रहा भाई अपना NH 28 या 27 है। अब चलते हैं भाई अपना अच्छा सा रील शूट करते हैं एंड हम लोग यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे। तो थोड़ी सी अगर जल्दी करेंगे तो भाई हम भी ट्रक के इसके नीचे ही आ जाएंगे। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई जल्दी है नहीं जाने की हम लोग को। ठीक है देख सकते हो हम लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं। 2000 years later तो फाइनली गाइस हम लोग ने सारी रील वगैरह शूट कर ली है एंड हम लोग ने बहुत सारी रील बनाई यार। और भाई अब भी का था पेपर भाई कर्मा देवी कॉलेज में एंड हम लोग चल रहे हैं भाई वहाँ पे, अब डायरेक्ट वहीं पे चलेंगे क्योंकि हम लोग का सारा रील वगैरह शूट हो चुका है। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई जो लखनऊ जाता है ओवर ब्रिज भाई वो दिख रहा है। एंड ये हेलमेट कैसे लग रहा है भाई ये आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा हेलमेट कैसा लग रहा है। एक मिनट, तेरी दीदी स्कूटी चला रही है पता चलेगा लड़ाई देंगी, इसी वजह से मैंने आगे कर लिया। Chases up as they cops, we're just doing.